सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जुलाना के राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा करवा चौथ के उपलक्ष्य में मेहंदी रचाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 70 से 80 लड़कियों ने भाग लिया। लड़कियों के द्वारा स्टाफ मेंबर्स को मेहंदी लगाई गई। सभी महिला स्टाफ मेंबर यहाँ पर मेहंदी लगवाती नजर आई। डेवलप करें जिस वजह से उनकी वे जो है जॉब ओरिएंटेड हो, तो इस तरह की स्किल को वो अपने जो है जॉब के लिए, अपने स्वरोजगार को स्टार्ट करने के लिए, या कहीं अगर जॉब नहीं लगते हैं तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है, यानी आप कह सकते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए भी जो है इस तरह की स्किल काम आती है। तो ओवरऑल हमारा जो विमेन सेल का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से लड़कियों को ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए, कैसे हम नारी का सशक्तिकरण करें। तो नारी के सशक्तिकरण के उद्देश्य से ही जो है आज हम ये मेहंदी कंपटीशन कराते हैं विमेन सेल के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज उलाना में, और इस तरह के प्रोग्राम आगे भी कराते रहेंगे। और ऐसे प्रोग्राम हम पहले भी कराते आए हैं जिसमें ना सिर्फ इस तरह के प्रोग्राम बल्कि लड़कियों की जो है मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और इसके अलावा उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन हमें पीछे ITR करना उनको सिखाया था, तो उसके लिए हमने CA को बुलाया था। तो इस तरह के प्रोग्राम हम चलाते ही रहते हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति लडवाल, विमेन सेल इंचार्ज हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज उलाना। इस प्रतियोगिता में मुस्कान BA सेकेंड ईयर की छात्रा ने पहला स्थान पाया। अंकुश भी को सेकेंड स्थान मिला। BA तृतीय वर्ष की छात्रा थी अंकिता और सुना, दोनों तृतीय स्थान पर रही। इस तरह से एक शानदार प्रतियोगिता का आज जुलाना के राजकीय महाविद्यालय में आयोजन किया गया। देख सकते हैं इस कार्यक्रम में 30 से 40 जो लड़कियाँ हैं, छात्राएँ हैं, वो मेहंदी लगा रही हैं महिला स्टाफ मेंबर्स को, और बड़ा ही शानदार कार्यक्रम।